गया 500 का 600 बहुत देर से घूम रहे हो तबीयत खराब है आपकी। अच्छा साइड में आओ मैं सब लेता हूँ आपके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली इलाके में, भारत की राजधानी दिल्ली में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा यानी कि हुमायूं की कब्र यहां पर है। और हम यहां पर आए थे कुछ काम से, लेकिन हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिनको हम मदद करना चाहते थे और हमने उनकी मदद भी की। ऐसे लोग जो अपनी खुददारी को नहीं बेचना चाहते, हाथ से माजूर हैं, हाथ से बेकार हैं, पैर से भी बेकार हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी इज्जत नहीं जाने दी, भीख नहीं मांगी। और रोड पर आज भी ऐसे लोग सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसे लोगों की हमने मदद की है और कोशिश करेंगे आगे भी करते रहेंगे। ये क्या क्या हुआ आपके पैरों में? शुरू से हैं, शुरू से बचपन से, बचपन से ऐसा है। तो कितने पैसे कमाते हो एक दिन में? 100-200, 400 हो जाता सर। 100-200 होता है सर। तो आज कितना बिका? आज कुछ बिका? आज बिका 20-20 बिक गया आपका। तो अभी आप क्या कह रहे थे कि सोच रहे थे, तबीयत खराब है आपकी? 10 दिन से तबीयत खराब है। 10 दिन से। क्या दिक्कत है आपको? सर्दी जुकाम बुखार। अच्छा, तो इस आप इस हालत में भी कैसे करते हो, मतलब चला नहीं जाता आपने? चलते थे, जब जाता नहीं ना, जब ज़्यादा थक जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ। अच्छा, जब ज़्यादा थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। तो आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। तो कितनी हिम्मत आती कहाँ से आपने? कैसे, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। तो आज जैसे आपकी कंडीशन है, ऐसे लोग तो भीख मांगते हैं, आपने भीख मांगना नहीं समझा? भीख नहीं मांगते। अच्छा, तो कितने पीस हैं आपके? 12 पीस। कितने के हो गए? 600 रुपए के। कुछ कम नहीं लगाओगे? 500 दे दें आपको, 500 में हो जाएगा। अच्छा चलिए, 12 पीस तो हम ले लेते हैं आपसे। अच्छा, इनका करेंगे क्या हम? एक गाड़ी वाड़ी साफ करने काम आता है, घरेलू काम में काम आता है, हाथ हाथ उसमें। अच्छा अच्छा, तो मतलब पैर में कैसे, मतलब क्या हुआ पैर में? हाथ एक पैर अपने पर से पूरा बेकार है। अपने पर से पूरा बेकार है। तो हाथ से बेकार है। हाथ भी बेकार है। क्योंकि नंदू भाई को पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, भीख नहीं मांगी, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, है ना जी। दिखाना चाहते हैं ना दुनिया को। और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो भीख मांगते हैं? हमको आदमी अच्छा बोलते कि मेहनत रे खा रहा, ये अच्छा बोलते हैं, भीख नहीं मांग रहे हो आप, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, जो मेहनत करके खा रहे हो आप, खिला भी रहे हो बच्चों का। तो कितने पैसे हो आपके? अभी ठीक नहीं आपके शायद? खांसी जुकाम है आपको। तो कितना पैसे वो आपको, कितने मांगे थे आपने? 600 मांगा था 500 आपको देना है मुझे। 100 रुपये का डिस्काउंट है हमारे लिए। अच्छा ये चलिए ठीक है, ये आपके ईमानदारी के पैसे हमने सारे खरीद लिए आज आपके। ठीक, खुश है ना आप? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो मांगते हैं भी? उनका हम किसी काम के नहीं समझते, कि भी मांगते हैं। हम उनको देख कर जलता हूँ। अच्छा, उनको देख कर जलते हैं आप? हम जलता हूँ, क्योंकि हम मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें मेहनत कर रखा। हाँ। अच्छा, कोई 2 रुपये दे रहा, कोई गाले दे रहा, क्या फायदा? हम ही बोलते। कितने पैसे बचते हैं आपको एक दिन में? एक दिन में एक पीस में 5-10 रुपये बच जाते हैं एक पीस पे। आप पूरे दिन जब आप मेहनत करते हैं मेहनत से, तो कितने पैसे बचते हैं आपको? 400-500 हो जाता है। 400-500 हो जाता है। और फिर 400-500 घर का खर्चा भी चलाना है। कभी ऐसा होता है कि बिका नहीं, ऐसे चले जाते हो घर पे? हो जाता है। ऐसे ही। नंदू भाई कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। यार नंदू भाई गले लगाने का मन करता है, तुम इतनी हिम्मत में। और ये हाथ कैसे, मतलब कैसे? पूरा पोलियो का, पोलियो हो गया था।
پیدائش کا جنم کا. اچھا تو ایسے چلتے ہو بس؟ ایسا ایسا بھی ہوتا ہے کچھ آ کے غلط بولتا ہے، دھکا آتا ہے کہ نہیں لینا، کچھ ایسے بولتا ہے؟ ایسے ملتے ہیں جو سارے خرید لیتے ہیں، ایسے بھی ایسے ہوا ہے؟ ملتے ہیں کئی بار ملے ہوئے، اب نہیں ایک سال سے نہیں ملنے، باقی ٹھنڈیوں میں ملتے ہیں. اچھا ایک سال سردیوں میں، ایک سال سردیوں میں ملتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو سارے خرید لیتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں. اچھا نندو آپ کو کتنے پیسے دیے میں نے؟ 500 دے دیے. 500 روپئے نندو، یہ کچھ اور پیسے ہیں، یہ 1500 روپے ہیں ٹوٹل. پانچ کتنے ہو گئے آپ کے پاس؟ 2000. اس سے اپنا گھر کا راشن لانا، ٹھیک ہے بھائی، اور ہمت سے کام کرنا، ایمانداری سے کام کرنا، کبھی بھیک نہیں مانگنا. بھیک تو مانگتے نہیں ہم سر جی، بھیک مانگنا میں روکے میں سو جاؤں، میں بھیک نہیں مانگوں گا. سوچا تھا کہ بھی کوئی آئے گا فٹ پاتھ پہ، ایسا ریڈ لائٹ پہ روکے گا، سب خرید لے گا، پیسے دے گا آپ کو؟ ایسے ہوتا ہے؟ ہوتا ہے سر. اچھا چلو، ہمت نہیں ہارنا اور ایمانداری سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گلے لگ جاؤ یار. میں نے دیکھا ایک یوک ہے جس کے ایک ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ ہے تو بیکار ہے، ایک پیر ہے، پیر میں پولیو، لیکن ہمت نہیں آ رہی، اور ریڈ لائٹ پر ایک کپڑے بیچتے تھے، ہمارے پاس آئے کہ باؤ جی لے لیجیے، ہم نے اس سے کچھ کپڑے لیے، ساتھ ساتھ ہم نے اس کی کچھ مدد بھی کی. ایک خوشی ہوتی ہے، ایک عجیب سی ایک خوشی ہوتی ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ایسی خوشی میں حصہ لیں. آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوں گے، ضرورت مند لوگ ہوں گے، دیکھیے، ڈھونڈیے، فائنڈ کیجیے ایسے لوگوں کو، مدد کیجیے، کیونکہ آپ کے 1000 2000 5000 سے کسی کے گھر کا اگر چولہا چل جائے گا تو بہت خوشی کی بات ہوگی، ایک اندر سے خوشی ملتی ہے. ڈھونڈیے ایسے پریواروں کو، مدد کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور ایسے ہی خوشیاں بانٹتے رہیے اور لوگوں کی مدد کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ.